अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबील आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शिरगोर्स। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैर आफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो मंडी मदरसा के हवाले से है। तो मंडी मदरसा में मैंने जानवर दिखाए हैं, उनका रेट भी आपको बताएंगे, फ़ोन नंबर भी लेकर देंगे। लेकिन उससे पहले आप सब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे काले भी किए, SMS भी किया कि सर आपने बहुत सारे फार्म की हमें वीडियो दिखाई है, तो सैयद अली शाह साहब के जो ब्रीडर है उसकी भी हमें वीडियो दिखाई जाए और उसके बारे में भी हमें बताया जाए। तो सैयद अली शाह साहब के ब्रीडर भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और सैयद अली शाह साहब के जो ब्रीडर हैं उसके बारे में भी आपको मुकम्मल डिटेल देंगे। लेकिन आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ख़ासकर जो दोस्त बकरियों के शौकीन हैं। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 9 बकरियां थीं जिनका नाम बरका, इखलाफ, सामसम, कैसिया, सकिया, कमरा, ये बकरियां थीं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ब्रीडर था, बकरा था, जिसका नाम यूमन था। तो दोस्तों, यही वजह थी कि सैयद अली शाह साहब ने अपने बकरे का नाम भी यूमन रखा। तो दोस्तों, बकरियां पालना सुन्नत है और ये बरकत वाला माल भी है। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब दोस्तों ने हमारी वीडियो के अंत तक देखना, हमारे यूट्यूब चैनल अली शाह गोट्स को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नीचे कमेंट भी करना। बाकी और भी व्यूवर्स ने कमेंट किए हैं कि और SMS भी, व्हाट्सएप मेरा नंबर पर भी पूछते रहते हैं कि ये जो मक्खी चीनी है इसकी मुकम्मल हमें डिटेल दें। तो उन सब दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि ये जो मक्खी चीनी है ये 3 किस्म की होती है, मतलब एक बकरी 35 से 50 तक आपको आसानी से मिल सकती है। तो उसमें भी अल्लाह पाक ने बरकत रखी है। वो बकरी सिर्फ चराई के लिए होती है, मतलब आप उसको बाहर चराएंगे तो वो आपको नफ़ा देगी। और दूसरा नंबर पे जो बकरी है वो आपको मिलेगी 80,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको आसानी से मिल जाएगी। वो बकरी आप घर में रख कर उसके जो बच्चे हैं ले सकते हैं और साथ में थोड़ी बहुत चराई भी करवा सकते हैं। और जो तीसरे नंबर पर बकरी है वो ख़रीदने वाले की मर्ज़ी होगी और सेल करने वाले की मर्ज़ी होगी, उन्हीं पे डिपेंड करेगा वो कितने की सेल करेगा, वो कितने की जो ख़रीदने वाला कितने की ख़रीद सकेगा। क्योंकि जो तीसरे नंबर पे बकरी है वो हर दोस्त को पसंद आएगी क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से वो तीसरे नंबर वाली बकरी ज़्यादा खूबसूरत होगी और अच्छी भी लगेगी सब दोस्तों को। ये भी जो ये डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो व्यूवर्स हैं नया ने उन्होंने काम शुरू किया है उन्हीं के लिए मैं ये बता रहा हूँ, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए कि बकरी रखने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहले नंबर पे सरमाया हो, सरमाया कोई भी काम हो उसके लिए, काम करने के लिए सरमाया होना ज़रूरी है। और दूसरे नंबर पे जो बकरी रखने के लिए तकरीबन 4-5 एकड़ उसके पास ज़मीन होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पर जो उसके पास अच्छी तरबियत हो, यानी अच्छी इंफॉर्मेशन हो, बकरियों को जानने वाला हो, अगर वो जानता नहीं तो कम से कम उसका एक उस्ताद होना चाहिए जो उसे बता सके कि बकरी की आपने इस तरह तरबियत करनी है, इस तरह आपको इसने बकरी को खाना खिलाना है, इस तरह उसको पिलाना है, इसकी दवाई देखभाल, ये मुकम्मल जो इसके बारे में जानता हो। तो ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा भी पहुंचा सकती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। यानी अगर आप ये तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप नफ़ा कमा सकते हैं, और अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो आप नुकसान भी, काफ़ी सारा नुकसान उठा सकते हैं।
बाकी दोस्तों एक पंजाबी दे विच मुहावरा ही बना होया, 60 नालों 8 चंगियां, यानी तुसी जिथे 60 पालनियां ने वो 8 पाल लो वो चंगियां ने, यानी तुसी चंगी बकरी रख लो 8 रख लो वो चंगियां ने। ते पंजाबी दा ते बाकी सब दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने जो चाहे मर्जी चैनल सब्सक्राइब किया हो बकरियों के हवाले से। अगर आपको, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर आपको वहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी आपको सच दिखाया जाता है, तो आप उस चैनल को देखें। क्योंकि मैं खुद भी बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ देखता भी हूँ, तो बहुत सारे चैनलों पर बहुत ज़्यादा ही झूठ बोला जाता है, क्योंकि लोगों को बहुत ख्वाब दिखाए जाते हैं कि बकरी आप रखेंगे तो इस तरह नफ़ा कमाएंगे, इस तरह कमाएंगे। तो सब दोस्तों के रिक्वेस्ट है कि जब ये इंसान इस हकीकत में पहुंचता है तो कुछ और होता है, लेकिन जो ख्वाब दिखाए जाते हैं YouTube पर ख़ास तौर पर, तो उनसे बचें। यही मशवरा दूंगा कि आप अच्छे से अच्छे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और जहां से आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, यानी सच आपको दिखाया जाए, वही आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जो चाहे आप मर्जी चैनल सब्सक्राइब करें, लेकिन आपको सच जिस चैनल पर दिखाया जाए और जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सके, आपने वही चैनल सब्सक्राइब करना है। बाकी मैं अपने व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी पहले भी दे सकता था, लेकिन मैंने अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले ही एक ग्रुप में यूट्यूब पर सुना है कि काफ़ी सारा झूठ बोला जाता है, और कुछ दिखाया कुछ जाता और सेल कुछ किया जाता, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी साथ देता चलूं। ख़ास तौर पर मेरा मकसद तो यह है कि पहले मैं आप सब दोस्तों को असल और नकल की पहचान करवाऊं, उसके बाद आपको फार्मों का विज़िट भी करवाऊंगा, और डॉक्टरों से अभी तक तो मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को कुछ दिखाया भी नहीं। आप सब दोस्तों को बहुत कुछ अपने चैनल पर दिखाना था, लेकिन आज मजबूरी की वजह से आप सब दोस्तों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ गई। तो इंशाल्लाह हर बार मैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी आप साथ देता चलूँगा, और असल नकल की भी आपको पहचान करवाता। तो दोस्तों अगर मैं इस मौजू पर बात करता चलूँ, तकरीबन काफ़ी सारे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको बिना टाइम वेस्ट की वीडियो दिखाते हैं। लेकिन आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होती है कि आप नीचे कमेंट किया करें, कमेंट से मुझे भी हौसला अफजाई होती है कि मैंने जो अपनी वीडियो में दिखाया है, आपको जो सच लगे या झूठ लगे, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आपने नीचे कमेंट करना है, जिस तरह का भी आपने कमेंट करें, उससे मुझे हौसला अफजाई होती है, और मैं इंशाल्लाह जो मुझसे गलती होती है वो इंशाल्लाह मैं अगली बार अपनी गलती को सुधारूंगा। बिना टाइम को वेस्ट किए आपको वीडियो दिखाते चलते हैं। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नबील आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अली शेर गोट्स। उम्मीद करता हूं कि मेरे सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब दोस्तों को हमेशा खुश रखे। दोस्तों आज हम आया मंडी मदरसा में, ब्रीडर के रेट चेक कराएँगे, पट्ठों के रेट चेक कराएँगे, और बकरियाँ चेक कराएँगे आप सब दोस्तों को। सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक देखें, हमारे यूट्यूब चैनल अली शेर गोट्स को सब्सक्राइब करें। दो पट्ठन जनाबी वाले दो माशाल्लाह बढ़िया खूबसूरत पट्ठन सफेद अख के बिच, रेट ही पूछ के दसांगे, भाई का फोन नंबर भी लवेंगे। चल पट्ठा चेक करो जी, भाई को 4 पट्ठा खलोते हैं, चेक करा रहे हैं एक एक करके जी। देखो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, भाई जान की रेट करते पे दो माता 75,000 कुछ जायज मुनासिब रेट करो जी, 70 दे फाइनल दे दे सो। अपना फोन नंबर दस दियो जी, 0344-70-37-899 ये भाई का फोन नंबर है। आ दो पट्ठा खलोतियां ने इन्हें कोलों 75,000 कर रहे हैं रेट, लेकिन फाइनल 70,000 दे दे सन। माशाल्लाह बढ़िया प्यारे और खूबसूरत पट्ठा जिलना, भाई चेक करो ते हाइट चेक करो, मक्खी चीनी माशाल्लाह जी। आ दूसरी जगह पर आए हैं, ये भाई को दो पट्ठा खलोतियां ने, इन्हों की डिटेल पूछेंगे इन्हों का की रेट कर रहे हैं। तो पहले पट्ठा थोन चेक कराने दुंदियां ने कीरिया ने, सारे भाई को डिटेल लवेंगे, फोन नंबर भी इस भाई का लवेंगे। दो पट्ठा इन्होंने खलोतियां ने। अस्सलाम वालेकुम जी,
भजन की रेट कर रहे हो इन्हों का? सत्त हज़ार रेट करो फाइनल, किन्ने दे दो? 55,000 दियाँ। एक गबना किमें गबना तकरीबन कहते कहते महीना दियाँ? ढाई ढाई महीना दियाँ। ठीक हो, ढाई ढाई महीना के गबना चेक कर सकते हो तुम दुंदियाँ दुंदिया मूह चो। 60,000 रेट कर रहे भाई, 55,000 के फाइनल दे रहे सी, देख सकते हैं माशाल्लाह। भाई फोन नंबर दस दो तुम अपना, 0324-6778-146। ये भाई का फोन नंबर है, इस नंबर से तुम रबता कर सकते हैं। दो पठन दुंदिया मूह चो भाई, कोई एक चेक करा दे दुंदी चौकिया ने। ठीक हो गए, तसली वाले दुंदिया पट्ठा जी कबना जी। जनाबे वाले तीसरी जगह पर आया, इन्होंने को दो बकरियां खलोतियां ने, दुध वालिया भाई। इस को डिटेल लवेंगे, फोन नंबर लवेंगे कि दुध दे रही ने एक टाइम का, तो की रेट कर रहे हैं भाई को पूछने हैं। पहले तो बकरी चेक कराने हवाना चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। आ दूसरी बकरी का दुध चेक अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान की रेट कर रहे हो दोवां दा? 90,000 रुपया। फाइनल किन्ने दे दसो? 80,000 दे फाइनल दे दसो। अच्छा अपना फोन नंबर दस दियो जी, 0342-7280-171। इन्हां दा किन्ना एक दुद्ध सी एक टाइम दा जी? डेढ़ लीटर छिगियां मूह चो माशाल्लाह जी। भाई रेट ही दस दिता, फोन नंबर दस दिता, डेढ़ लीटर इन्हों का दुद्ध है, तुम चेक करा दिता जी। जनाबे वाले हम तो बच्चों की बकरी चेक करा रहे हैं, तीन बच्चे ने इस बकरी थले। भाई को फोन नंबर भी लवेंगे इस बकरी का, तो डिटेल पूछेंगे की डिटेल है इस बकरी, तीन बच्चे ने इस बकरी बकरी तो चेक कराने। पहले बच्चे चेक करो जी माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत बच्चे, लंबाई हाइट मक्खी चीने प्यो थे। आ बकरी है जी, इनके थले तीन बच्चे ने। जनाब इस बकरी थले तीन बच्चे ने, ते भाई को फोन नंबर लेने हैं की प्राइस कर रहे हैं पूछने हैं। आ जनाबे वाली बकरी का हवाना माशाल्लाह, हवाना चेक करो, इन हवाना आखते हैं असर, बड़ा खूबसूरत और प्यारा हवाना है, चेक करो। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई जान की रेट कर रहे हो बकरी का? 1,40,000। कोई फाइनल दसो, फाइनल किन्ने दे दसो भाई जान? अपना फोन नंबर दस दियो, 0309-4141-8846। ये भाई का फोन नंबर है, इस नंबर से रबता कर सकते हैं। 1,40,000 रेट कर रही है, तो फाइनल तो 1,35,000 दे दे साहब। बच्चे तीन दिन थले बकरी तो विखा दी है जी। आ जनाबे वाली मंडी मदरसा चेक कर सकते हो सारे। आ जनाबे वाली आए हैं तीसरी चौथी जगह पे, ये भाई को 30 पट्ठा खलोतिया ने, इन्हों का फाइनल रेट पूछेंगे की रेट कर रहे हैं। तो भाई खलोते ने मौजूदा भाई का फोन नंबर भी लवेंगे। पहले तुम पट्ठा चेक करो माशाल्लाह, बड़िया प्यारियों खूबसूरत पट्ठा जी चेक करो। ਉਹ ਤਿੰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਲੈ ਦਾ ਤਿੰਨ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ? ਚਾਰ ਹਾਂਜੀ, 4,00,000। 1,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਚਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? 35,000
रेट करो 32,000 फाइनल दे दे सो हो जैसे हो रही है। अच्छा हो रही रियायत हो जैसे अगर कठिया कोई लवे तो हो रही रियायत हो जैसे या खलोती हैं तकरीबन ये 2 महीना बाद बकरे। अच्छा 2 महीना बाद बकरा छदन लग जैसे आराम ना लग जा बन जैसे 2 महीना बाद ठीक हो गए माशाल्लाह चंगिया पठन ये दुंदिया खीरियां खीरियां जी। अच्छा चेक करो जी खीरियां पठन जी तुसी अपना फोन नंबर दस दियो जी भाई सारे चेक करा रहे हैं भाई खीरियां पठन सारिया जी तुंदी कोई कोई नहीं ठीक हो गए ठीक हो गए तसल्ली करा रहे हैं जी माशाल्लाह ठीक हो गए माशाल्लाह सारे खीरियां कौन आना फोन नंबर दस दियो जी 0302 450 55 सैयद तालिब हुसैन मंडी लुके मंडी मदरसा ये लोकेशन है जी भाई और ठीक हो गया माशाल्लाह जी माशाल्लाह ये पट्ठा भी खलोते हैं इस नंबर पर तुम रबता कर सकते हैं जी2021 दसवां महीना